देखिए दोस्तों, ये हैवी साइज है तो इसके हिसाब से ही मैं आपको प्लेटों के निशान बताऊंगी। आपने मैंने इंस्टा पे देख जो वीडियो क्लिप डाली थी छोटी सी, उसके ऊपर ज्यादा ही कमेंट कर रखे कि इतनी लंबी प्लेट कोई नहीं लगाता, तो इस साइज के हिसाब से हमें इतनी लंबी प्लेट भी लगानी पड़ती है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार समझा दूं कैसे। जैसे कि मैंने ये फ्रंट में निशान लगाए हुए हैं, तो इसको हम एक बार अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह से। तो जैसे कि हम जो इनका प्लेट पॉइंट लगाएंगे, तो इनका जो मैंने ऊपर से प्लेट पॉइंट मापा था वो 11 इंच पर आ रहा था दोस्तों। ये मैंने हाफ इंच की छटाई कर रखी है इसलिए ये आपको 11 दिखा रहा है, बाकी ये 11.5 इंच पर हमने लगाया था ऊपर से। ये इसके शोल्डर भी मैंने स्टिच कर दिए हैं, तो ये मान के चलिए आप जैसे कि ये 11 इंच पर मैंने यहाँ पर इसका प्लेट पॉइंट का निशान लगाया, यानी कि जो कम लेंथ होगी जिसकी उसका हम 10 पर 9.5 पर भी लेते हैं दोस्तों। तो ये 11 इंच पर इनका आया है, तो इस हिसाब से हमने जो प्लेट का निशान है वो नीचे ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि अब हम यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 4 इंच पर थोड़ा है हेल्दी साइज है इसलिए 4 पर ले रही हूं मैं, नहीं तो हम 3.5 पर निशान लगाते हैं ये प्लेटों का। तो 4 इंच पर हमने ये निशान लगाया और उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों, और उसके बाद जो ये निशान हम लेंगे ब्लाउज में हम इन दोनों का सेंटर लेते हैं, बट इसमें हम इसके ऊपर ही लेते हैं ये निशान भी। यहाँ से हमने एक निशान और लगाया, ये मैं फ्रंट हिस्से की आपको प्लेटें बता रही हूँ। इसके बाद दोस्तों हमने जो नीचे वाली हिस्सा हम लेंगे इसकी प्लेट भी 10 इंच पर ही आएगी। आप सोच रहे थे कि इतनी लंबी प्लेट हम कैसे डालेंगे, जब इनकी कमर ही इतनी लंबी है तो हमें इनकी प्लेट लंबी डालनी ही पड़ेगी दोस्तों। इन्होंने जब इस सूट की फिटिंग दूसरे सूट की ट्राई की थी तो उनको बहुत अच्छी फिनिशिंग से फिटिंग आई थी दोस्तों। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी यकीन मानिए मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगी। तो जैसे कि यहाँ से हम जो ये निशान लेते हैं, ये कमर का निशान चेक करते हैं कि हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो कमर का निशान प्लेट पॉइंट से जब 5 इंच पर आ रहा है तो हमें नॉर्मल सी बात है 10 इंच तक हमें प्लेट लगानी ही पड़ेगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इतनी लंबी प्लेट नहीं लगाते, वो हम साइज देखकर बड़ी और छोटी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इनकी जो प्लेट है ये 10 इंच पर ही गिरेगी दोस्तों, और 1/2 इंच का जैसे कि हमने यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना है, नीचे से भी हम ऐसे ही मिला देंगे। तो इस तरह से हमने ये जो इनकी प्लेट होगी लॉन्ग साइज के लिए हमने 10 इंच पर गिरनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैवी साइज है तो हम इसमें मैंने कि 2.5 इंच यहाँ पर जो इसकी ब्रॉड है वो ली है, और जो ऊपर से लिया है वो भी मैंने 2.5 इंच लिया दोस्तों। अगर मान लो पतला हिस्सा होता तो हम उसमें 1.5 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 1.5, 2, 2.5 और ज्यादा भी हम 3 इंच तक भी इनका ये जो डिस्टेंस है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये नीचे वाली प्लेट का निशान हो गया। जो ये निशान है हम दोस्तों जो हमने कट लगाया है, जो हमने कमर का कट लगाया है उस तक मिला देंगे, फिटिंग में हमने नहीं मिलाना। ये निशान हमने कमर के कट तक लगाना है जहां तक अपने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ऊपर वाला निशान हम दोस्तों इसका सामना करते हुए, अगर आपको समझ ना आए हम कहां से क्रॉस करें, तो हमने जो इस प्लेट का पॉइंट होता है हमारा इसका सामना करते हुए इस निशान को भी इस तरह से मिला देना है दोस्तों। ये हमने बताया आपको फ्रंट हिस्से का। और जैसे कि इसमें ये मैंने दोस्तों छटाई नहीं की है फ्रंट हिस्से की, तो हम जो छटाई, तो जैसे कि ये मैंने आपको समझाया है यहां से इतना अंदर की तरफ 0.5 इंच या 1 इंच अंदर की तरफ करके और फिर हम इसकी छटाई करते हैं, तो इस तरह से हम छटाई कर लेंगे। तो ये प्लेट फ्रंट की तो आपको समझ में आ गई, बैक की भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि ये प्लेटों का ये तो राउंड हमारा बन गया, तो इस तरह से ही फ्रंट की कोई भी प्लेट हुई दोस्तों ऐसे ही गिरती हैं। और जैसे कि हमारा साइज अगर कम है तो उसमें हम डिस्टेंस कम कर देते हैं, जैसे कि 3.5 पर निशान लगाते हैं, उससे आगे हम 1.5, 2, 2.5 वैसे ही सरका के, बट जो हम ये जगह पर निशान लगाएंगे वो ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों। यही हमने तरीका फॉलो करना है, हमारी प्लेटें एकदम से परफेक्ट बैठेंगी। और दोस्तों जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, ये भी एक बार मैं आपको बता दूं, अगर हमने जैसे कि इनकी फिटिंग हमने प्लस करने के बाद 9.5 इंच है मान लो, ये मैंने इसमें प्लेटें नहीं डालनी, ओनली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जैसे कि हमारी फिटिंग इनकी 9.5 थी, इनके फोर्तीसा करने के बाद, कमर का फोर्तीसा करने के बाद 9.5 थी। अगर हम बैक में प्लेट डालेंगे ओनली, अगर हम बैक में प्लेट डालेंगे तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है,
यानी कि 1 इंच हम ले सकते हैं हाफ, अगर ज्यादा ही चौड़ी डालनी है तो 1 इंच ले सकते हैं, वरना 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। अगर हम बैक और फ्रंट दोनों में ही प्लेटें डाल रहे हैं तो दोस्तों अगर हमने ज्यादा ही दबाना है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वरना हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोस्तों 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है, फिर हमारी यानी कि जब हम कुर्ती की कटिंग करें उसी टाइम हमने ये चीज फॉलो करनी है। 1 इंच हमने दोनों तरफ फ्लेटें डाले तब एक्स्ट्रा लेना है, 1/2 इंच हमने जब एक तरफ फ्लेट डाले इनके बैक बैक में तब लेना है। आजकल ज्यादातर बैक का ही ज्यादा चलन है दोस्तों, बैक में ज्यादा ही प्लेटें डल रही हैं, तो हम जब माप लें उसी टाइम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। आप 1 भी ले सकते हो एक्स्ट्रा, क्योंकि आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में ही अगर 1 लोगे तो फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक तो आपका कट जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जैसे हमारा हो गया, अब दोस्तों मैं आपको एक ये तरीका और बता दूं, जैसे कि आप कई बार पूछते हो कि अपर ब्रेस्ट का माप मैं आपको बताऊं, तो जो हम दोस्तों ये अपर ब्रेस्ट का माप लेते हो कैसे लेते हो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हमने कोई कमर में यानी कि फिटिंग जो नॉर्मल हम लेते हैं तो कमर में हमने कोई प्लस नहीं करना, हिप में हमने कोई प्लस नहीं करना, क्योंकि उसी टाइम हम जितना मार्जिन रखना होता है ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो ब्रेस्ट होती है उसमें हमने 4 इंच प्लस करना है, तो हमने 2 माप लेने होते हैं दोस्तों अपर ब्रेस्ट के और जो हमारी मेन पॉइंट वाली ब्रेस्ट होती है उसके। तो जैसे कि हमने एक इसका जो मेन बस्ट का माप है वो है 42 और जो अपर बस्ट का माप है वो है 38, तो इसमें हमने दोनों में 4 इंच प्लस करे हैं, इसमें 4 इंच प्लस करे और इसमें 4 इंच प्लस करे। तो 42 में हमने 4 इंच प्लस करे, यानी कि 42 का हो गया हमारा 10.5, उसमें हमने यानी कि 4 इंच प्लस करने के बाद हो गया हमारा 11.5। तो 11.5 पर दोस्तों हमने निशान लगाया था और उसके बाद हमने 9.5 पर या जितना भी जैसे आपको कमर जितनी लेनी है उतने पर निशान लगाया, हमने इस तरह से मिला देना है दोस्तों। ठीक है, हमारा यहाँ तक आ गया ये निशान, हम स्टार्टिंग में मिलाएंगे वो ऐसे ही मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमने प्लेट पॉइंट का निशान लगाया है, आपका 10 इंच पर आए 11 पर आए आप उस हिसाब से लगाना, ये हमें ये देखना कोई जरूरी नहीं होता कि हमने 3 इंच पर ही लगाए या 2 पर ही लगाए, नहीं, हम ऊपर से फ्लैट पॉइंट देखेंगे हमारा जितने पर आए उस पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने यहाँ से देख सकते हैं हमारा कितने पर आया। तो हमारा ये 3.5 इंच पर आ रहा है दोस्तों इसकी लेंथ। तो यहाँ तक आपको समझ आया, जैसे कि मैंने 11.5 इंच पर पहले ये निशान लगाया फिर इसको कमर के साथ मिलाया, अब अपर ब्रेस्ट का काम होएगा। जैसे कि हमने जो अपर ब्रेस्ट ली थी इनका बहुत डिस्टेंस है जैसे कि 4 इंच का, तो ये हमने इसमें भी हमने दोस्तों 4 इंच प्लस करने हैं। तो 4 इंच प्लस करने के बाद ये हमारा हो गया 10.5, इनके पूरा करेंगे तो 9.5 और अगर 4 इंच प्लस करने के बाद करेंगे तो 10.5 हो गया। तो ये दोस्तों हमने अब अपर ब्रेस्ट का निशान यहाँ पर जरूर लगाना, ये निशान लगा करके हमने जहां तक हमारी ये प्लेट पॉइंट वाली लाइन आ रही थी इसके साथ इसको मिला देना है दोस्तों। जब हम इसको मिलाएंगे तो बहुत अच्छी सी फिटिंग आएगी और इसको भी आप जैसे कि यहाँ से जब आप फिटिंग लगाओगे तो आप यहाँ से फिटिंग लगाओगे, यहाँ से ना कि आप यहाँ से सीधा लेके जाओगे, बाकी आप यहाँ से फिटिंग लगाओगे एकदम से परफेक्ट बैठेगी। जब आप बोलते हो कि आपका यहाँ पर कपड़ा ज्यादा ही खुला रह जाता है, गुफाहा कुछ उठ जाता है, तो वो नहीं होएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि हमने यहाँ से निशान लगा करके इस लाइन में इसके साथ मिलाया है, ये हमने एकदम से सीधी लाइन हमारी हो गई, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारा यहाँ पर 10.5 इंच ही आना चाहिए। इनकी जो हमारी जो पूरी पूरी प्रॉपर तैयार थी हमारी बस्ट यानी कि 42, तो वो हमारी पूरी तैयार यहाँ पर होनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, ये हमें देखना है और फिर हमने उसके साथ मिला लेना है। कई बार क्या होता है कि हम इस निशान पे यहाँ मिलाते हैं और इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर फिर भी कम ज्यादा रह जाता है, तो हमारी फिर भी ब्रश वो दब जाती है। तो हमने एक बार यहाँ से जितना की जितनी हमारी प्रॉपर तैयार है उसमें कुछ प्लस किए बिना पूरी तैयार लेकर के यहाँ पर माप का निशान लगा देना और इसके साथ मिला देना, फिर हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे जो ऐसे लगाएंगे। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी बैक वाली प्लेट के निशान भी बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों इनकी हम जो बैक वाली प्लेट लगाएंगे वो हम ऊपर से इनके ऊपर मैंने जो दबा रखा है उसको लेते हुए हम 11 इंच पर ही लगाएंगे। तो इसका भी हम इस तरह देखेंगे, हम बैक में 1/2 इंच वैसे कम कर लेते हैं, किसी का डीप भी ज्यादा होता है तो कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 11.5 पर भी हम निशान लगा सकते हैं, 11 पर मैंने लगाया, तो वही हम 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे
और 4 इंच हम सामना देखने के लिए यहाँ पर भी निशान लगाएंगे दोस्तों। और इसको हम वही फिर कमर का डिस्टेंस देखेंगे कि हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो ये कमर का निशान हमने यहाँ पर लगाया, वही फिर ये भी 10 इंच पर ही गिरेगी दोस्तों इसकी जो प्लेट है, क्योंकि हमने सेंटर में कमर के जो फिटिंग होती है वहां पर चौड़ाई देनी होती है प्लेट की। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको भी इसी तरह से मिला देना दोस्तों। तो ये हमारी बैक प्लेट हो गई। ये मैंने बस इसलिए समझाने के लिए बताया है दोस्तों कि हमारी अगर कमर का माप ज्यादा लेंथ पर आ रहा है तो हमारी प्लेट भी ज्यादा ही गिरेगी। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम 7 इंच पर ही प्लेट गिरेंगे, 8 पर ही गिरेंगे। तो वो हमारा लेंथ के हिसाब से, साइज के हिसाब से होता है दोस्तों। जैसे कि हमारी कमर बाई चांस यहाँ आती तो हम ये प्लेट यहाँ पर मान लो 3 हो जाता है पर 10 तक लगाने के बाद, तो यहाँ पर 6 इंच की भी हम प्लेट डाल सकते थे क्योंकि कमर हमारी 3 के ऊपर आ जाती तो हम 6 इंच की प्लेट डाल देते। बस वही बात है, जहां हमारी कमर आएगी और प्लेट वाला निशान आएगा उसका कमर का सेंटर तो हमें लेना ही पड़ेगा, और सेंटर लेंगे तो ऊपर जितना हिस्सा है नीचे भी हमें इतना ही लेना पड़ेगा। बस यही तरीका है दोस्तों, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हो दोस्तों, मैं और अच्छे से बताने की फिर से कोशिश करूंगी दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी रह गई है तो। थैंक यू दोस्तों।